देखिए, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, तो उस पर फोर्स काम कर रहा है, उसी फोर्स की वैल्यू हमको निकालनी है। अच्छा, पहले डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। हमने बताया था किसी भी करंट, ध्यान से सुनेगा हम बोल क्या रहे हैं, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख सॉरी की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो हम कौन सा रूल लगाते हैं, राइट हैंड पाम रूल नंबर 1। उसमें क्या बताया गया था, अपने राइट हैंड को इस तरह फैलाइए कि थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फिंगर्स आर इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉइंट एट विच मैग्नेटिक फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द पाम, डायरेक्टेड अपवर्ड डायरेक्शन। पता, अगर दाएं हाथ को, राइट हैंड को इस तरह फैलाएं कि अंगूठा करंट की डायरेक्शन में हो और उंगलियां उस पॉइंट की तरफ हों जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हथेली के परपेंडिकुलर अपवर्ड होती है। अपवर्ड बोले तो ये नॉर्थ पोल, ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ, समझ आई बात। पाम रूल नंबर 2 बताता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ इन द मैग्नेटिक फील्ड, यानी किसी अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा रखा जाए तो उस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को दो तरीके से हम देते हैं। एक लेफ्ट हैंड रूल गिवन बाई किसने दिया था, फ्लेमिंग ने दिया था। अच्छा, फ्लेमिंग का एक एक काम था, तुम मुझे रूल दो मैं तुम्हें डायरेक्शन दूंगा, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे रूल दो मुझे तुम्हें डायरेक्शन दूंगा। एक तो उन्होंने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताया था, ये लेफ्ट हैंड बताया था, FBI बता दिया था हमने कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में हो, ये करंट डायरेक्शन में हो, ये फोर्स की डायरेक्शन होती है। लेकिन ये थोड़ा सा हमको अस्त्रावक्र चेंज करना पड़ता है, तो हमको सबसे सस्ता लगता है राइट हैंड पाम रूल नंबर 2। पाम रूल नंबर 1 क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पाम रूल नंबर 2 बताता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पाम रूल नंबर 2 क्या कहता है कि अगर हम अपने राइट हैंड हथेली को इस तरह फैलाएं कि ये करंट की डायरेक्शन हो, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो, तो फोर्स हमेशा हथेली के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। तो अब अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर फोर्स लगता है, कितना लगता है उसी को निकालना है। देखिए ध्यान से, ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। इसको हमने बैटरी से जोड़ा होगा, बैटरी से जोड़ नहीं रहे फिलहाल, बता रहे हैं हम, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं, किस वेलोसिटी से, VD वेलोसिटी से। इस वेलोसिटी का नाम क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनगोन वेग, अपवाह वेग भी कहते हैं, ठीक है। और हमने माना कि इसकी जो लंबाई है वो L है और जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है वो ये B है, और हमको लगता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप समझ गए होंगे, क्या डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। क्या है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखिए, पहले हमने मान लिया कि द लिखिए थोड़ी कहानी, लेट लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज स्मॉल L, लेट लेंथ ऑफ द कंडक्टर बी स्मॉल एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए, वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो अब ये बताओ, इस कंडक्टर में, एंड दिस कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड बी, एंड दिस कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड बी विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड। इस चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा गया है और उसकी दिशा पेपर तल के लंबवत अंदर की तरफ है। ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि होता कैसे, आपने नहीं लिखा, लिखने का मतलब होता है कि ड्राफ्टिंग अगर आपको नहीं आती तो फिर नहीं आती, फिर आपको लगेगा तो हमको आता है, लेकिन लिखें कैसे, ठीक है। अब जरा बताइए, एक्चुअली फोर्स किस पर, ये मैग्नेटिक फील्ड लगाता किस पर फोर्स है, कंडक्टर पर लगा रहा है जी, नहीं, ये इलेक्ट्रॉन पर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है,
कंडक्टर के अंदर है इसलिए कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है। तो पहले ये बताइए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है इस कंडक्टर में? बहुत सारे हैं, जरा ध्यान से दिमाग लगा के बताइए कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन? बहुत सारे नहीं है इसमें, एन ए इंटू ए इंटू एल हमने माना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना है? एन। तो आई इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है? अगर मैं इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ए मान लूँ तो इसमें इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एन इंटू ए इंटू एल। तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर जो होगा, कंडक्टर वो कितना होगा? ए इंटू एल। तो अगर हम निकालें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, इन द कंडक्टर क्या लिखे? बहुत सारे, एन इंटू ए इंटू एल। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिएगा, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई, ये इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से कितना एंगल बनाते हुए चल रहा है? 90 डिग्री। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन, बोले तो चार्ज पार्टिकल, किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में चलता है वी वेलोसिटी से, तो उस पर फोर्स काम करता है लॉरेंज फोर्स। तो फोर्स एक्टिंग, फोर्स एक्टिंग ऑन वन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, लिखना पड़ेगा किसकी वजह से? ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब आप कहेंगे ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्यों लिखा? ऐसे भाई इलेक्ट्रॉन खुद भी तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा सकता है, तो हम ड्यू टू भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ क्रिएट कर रहे हो आप करंट कैसे फ्लो करा रहे हो? किसी बैटरी को जोड़ा होगा आपने ना, लेकिन हम बात मैग्नेटिक फील्ड की कर रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा? क्या फॉर्मूला हम लगाएं? एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स का फॉर्मूला क्या लगाएं? हाँ, क्यू वी बी साइन थीटा होता है। तो क्यू बोले तो ई, वी बोले तो वी डी, बी बोले तो बी, और साइन थीटा बोले तो 90। तो एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लग गया? ई इंटू वी डी इंटू बी इंटू साइन 90। ठीक है, अच्छा एक बढ़िया सी बात समझिएगा, ये इलेक्ट्रॉन कैसे डेवलप हुआ होगा? ये अलग से इलेक्ट्रॉन जो भरे गए हैं बोरे में लेकर के लेके आए हो बाहर से, ये जो आपका कंडक्टर था किसी एटम मेटल का बना होगा ना, मेटल्स में एटम्स रहे होंगे, उस एटम्स में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, कुछ पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, क्योंकि जब किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो कैसा बन जाता है? पॉजिटिव चार्ज उसमें आ जाता है। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगाते हो तो मूवमेंट कौन करता है? मूवमेंट इलेक्ट्रॉन ही करता है, क्योंकि पूरा का पूरा मेटल कैसा होता है, जो एटम्स हैवी होता है, इसलिए वो मूव नहीं करता। आगे भी आप पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर में कि मूवमेंट कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन। और क्रेडिट किसको दी जाएगी? पॉजिटिव चार्ज को। अभी हम बात करेंगे जो वी डी किसकी ले रहे हैं, तो हम वी डी कहेंगे ये उसकी ले रहे हैं जिधर करंट फ्लो रही है, जबकि ये डायरेक्शन किसकी है? मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन की। तो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कंडक्टर, तो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कंडक्टर। तो अगर हम टोटल फोर्स इधर नोट कर लिया ना, अगर टोटल फोर्स हम निकालना चाहें तो क्या करेंगे हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है उसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एन इंटू ए इंटू एल। देखिए, अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रूफ को पकड़ लेंगे तो प्रूफ टफ नहीं होता है, अगर आपने रटने की कोशिश की तो ये बड़ो बड़ो गंजा कर देता है, मतलब ऐसा आप सुना है हमने और देखा भी है हमने। तो एफ डैश की वैल्यू क्या है? ई इंटू वी डी इंटू बी इंटू एन इंटू ए इंटू एल, टोटल फोर्स हो गया। अब फोर्स की डायरेक्शन बारे में बाद में बात करेंगे, रब करें इसको, इस स्टेप को एक एक स्टेप नोट करते रहो। तो राइटिंग गंदी है इसलिए बड़ा बड़ा लिखते हैं, जिससे कि तो ज़्यादा उसमें आ जाता है। अब जब देखिए ध्यान से, एन ई ए वी डी एक तरफ कर दो, ई लिख दिया आपने, वी डी लिख दिया आपने, बी नहीं लिखा आपने, एन लिख दिया आपने, ए लिख दिया आपने, एल नहीं लिख दिया आपने, ये सुना है आपने, ये क्या होता है? एन ई ए वी डी क्या होता है? डिटफ्लास्टी होती है।
आई होती है, आई बराबर एन ई ए वी डी, तो ये हो गया आई, आई बी एल, तो एफ इज इक्वल टू आई बी एल, वेयर आई इज वॉट एन ई ए वी डी, आपने ये प्रूफ किया है। अगर मैं अभी अभी कहूँ कि इसको प्रूफ करो तो है दम प्रूफ करने की, इसके पास दम है, 2 रुपये दूंगा इनाम, नहीं 2 रुपये इसलिए दूंगा, टॉफी 2 रुपये की पड़ी वही दे दूंगा, नहीं अच्छी वाली टॉफी है, कर सकते हो प्रूफ अभी, क्यों सिंह साहब नहीं कर सकते हो प्रूफ? ये कोई बात नहीं, कर सकते हैं क्या? अब जरा देखिए, ये फोर्स की डायरेक्शन देख लेते हैं और इस फोर्स का इफेक्ट भी देख लेते हैं। सावधान, डायरेक्शन दिखाने के लिए आपको राइट हैंड लेफ्ट हैंड बढ़िया लगता है कि राइट हैंड बढ़िया लगता है? बोले एक काम के लिए लेफ्ट हैंड बढ़िया लगता है, एक काम के लिए राइट हैंड बढ़िया लगता है, तो बोले लेफ्ट हैंड की बात कर लेते हैं। एफ बी आई, एफ बी आई ये किस डायरेक्शन में होगा? मैग्नेटिक फील्ड किधर की ओर है? अंदर की तरफ, रेडिंग। ये किधर है? आई, आई इधर फ्लो हो रहा है पहले से, ठीक है। कभी कभी आई इधर होता है तो आई, ये ध्यान रखिएगा, अगर आई इधर फ्लो हो रहा होता तो आप इसको घुमाने चक्कर में इसको ना चेंज कर दीजिए, ठीक है। आप इसी को फिक्स करेंगे और ये अंगूठा ऐसे ऐसे कर देंगे, फिलहाल तो आई इधर है ना, अंगूठा किधर की तरफ है? ऊपर तरफ। तो फोर्स किधर काम करेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। समझ में आ गई बात? ये एक्चुअली फोर्स लग किस पे रहा है? इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, ठीक है। तो वही हमने कहा था ना कि आपकी बॉडी में अंतड़ियाँ पंतड़ियाँ सब हैं, हम सभी नसों में एक एक ऐसे डाल के तार खींच लिया, तो खींच रहे हैं हम क्या? इलेक्ट्रॉन्स को। और खींच कौन रहा है? पूरा का पूरा कंडक्टर, ठीक है। अब जरा राइट हैंड पाम रूल लिख लेते हैं। राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है? अंगूठा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स किधर काम कर रहा है? ऊपर की तरफ। अब लग रहा ना कि ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा तो ये भाई साहब ऐसे घूम जाएंगे। भाई आपकी हम खोपड़ी पकड़ के ऐसे खींच लें तो ऐसे आप घूम जाओगे, लेकिन आप पूरी बॉडी में 8-10 जगह रस्सी बांध खींच लें तब आप घूमोगे, पूरे के पूरे स्ट्रेट ऐसे चलोगे ना। तो ये फोर्स क्या एक जगह काम कर रहा है? ये फोर्स पूरे के पूरे कंडक्टर में लग रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पूरे कंडक्टर में फैले हुए हैं। अगर इलेक्ट्रॉन एक किनारे पे होते और आप फोर्स लगा देते एक किनारे पे, तो शायद ये रोटेट कर जाता, तो रोटेट नहीं करेगा, क्या करेगा? ये लीनियर मोशन करेगा, ठीक है। अब इस लीनियर मोशन का इस्तेमाल हम करने के लिए किसी चीज़ को जब मोटर पढ़ाई जाएगी तो उसमें बताया जाएगा कैसे बॉडी इस इफेक्ट की वजह से घूमती है, ठीक है। तो यह है फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड। एक नोट करके लिख लीजिएगा कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाते हुए रखा हो, तो एक नोट कर लीजिएगा, इफ कंडक्टर इज मेकिंग, अब कंडक्टर इज मेकिंग मीन्स कंडक्टर की डायरेक्शन में ही करंट फ्लो हो रही है। भाई आप कहेंगे ये तो आप कंडक्टर कहाँ, ये तो आप आई से या बी से एंगल ले रहे हैं ना। इफ कंडक्टर इज मेकिंग एंगल थीटा, मेकिंग एंगल थीटा विद बी, देन एफ इज इक्वल टू क्या होगा? आई बी एल साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, एक चीज नोट कर लिया। अब जरा एक चीज देखिएगा, जब इसको अगर वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो आएगा आई एल क्रॉस बी। एक्चुअली में इसमें करंट एलिमेंट जो होता है वो आई एल होता है, ये करंट एलिमेंट है, और आई एल क्रॉस बी ये आपका वेक्टर प्रोडक्ट होता है, आई एल क्रॉस बी। अब देखो ध्यान से, अब जरा आई एल क्रॉस बी के हिसाब से भी आपको डायरेक्शन बता देते हैं। देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन आपको पढ़ाई गई 11th क्लास में। अगर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन देखनी है तो क्या बताया गया था? अगर ए क्रॉस बी दो वेक्टर हैं और ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बतानी है तो क्या बताया गया था आपको? आधी बात बोल रहे हो, पाम रखेंगे, लो रख दिया आपके डायरेक्शन पाम, हम ऐसे तो आप बताओ कौन सी पाम रखेंगे, तो कहो तो राइट हैंड की पाम रखेंगे, हम ऐसे आँख बंद किए हैं, तुमने कहा पाम रखेंगे, हम कहा लो पाम रख दिया, तो आप हम आपको देख ही नहीं रहे, आप पूर्व तो राइट हैंड का पाम रखेंगे। तो क्या बताया गया कि ए की डायरेक्शन में हम अपनी राइट हैंड की पाम को रखेंगे और इस उंगली को ऐसे मोड़ेंगे। हमने कहा था अगर इधर मोड़ना है तो किसी दूसरे को तोड़ दो, ले मोड़ दिया, उस पाम को ऐसे घुमा दीजिए, अभी पाम उसी डायरेक्शन में, तो ऐसे उंगली मोड़ेंगे और जो अंगूठा होगा वो डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टिंग इफेक्ट होगा,
ठीक है। अब जरा देखिए, आपने जो कंडक्टर बनाया था वो ऐसे बनाया था ना, क्यों? और आपका जो करंट थी, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, तो करंट तो इधर फ्लो हो रही थी ना, तो करंट एलिमेंट इधर था, इधर था, तो आप पाम किधर रखेंगे? आईएल, करंट एलिमेंट। मैग्नेटिक फील्ड किधर था? तो उंगली अंदर तरफ मोड़ी, अंगूठा किधर है? ऊपर की तरफ। फोर्स किधर काम कर रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तीनों केस में ही होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर हो जाएगा तो चेंज हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? तो ये करंट तो ऐसे चेंज करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स किधर होगा? नीचे की तरफ काम करेगा। तो समझ में आ गई बात। अच्छा, इससे भी आप यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। एक्चुअली में जब हम मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट को टेस्ला पढ़े थे, तो टेस्ला की मदद से हम यूनिट का डायमेंशन नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि SI यूनिट तो होती है, जैसे कहीं न्यूटन है। अब न्यूटन केवल आप जानते हो फोर्स की यूनिट होती है, उसे डायमेंशन नहीं निकाल सकते जब तक आपको केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मालूम ना हो। तो देखिए, यूनिट की बात करें हम, यूनिट ऑफ बी, पीछे भी यूनिट पढ़ा था, एफ बराबर आपको क्या दिख रहा है? आई बी एल। तो बी की वैल्यू क्या होगी? एफ अपान आई एल, तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो ये आप इसकी यूनिट होती है, और इससे आप डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। कभी कभी वो बदतमीजी करते हैं कि जैसे न्यूटन पर एम्पियर मीटर यूनिट है, हो सकता है किसी और की यूनिट भी यही हो। अब वो तो एक अलग की बात है, ठीक है। दो क्वांटिटी बताया उन्होंने, कहा न्यूटन पर एम्पियर मीटर यूनिट है, और आपने रटी किसकी है? बी की। उन्होंने निकाली किसी और की, ध्यान रखना किसी और की यूनिट भी ये हो सकती है, ठीक है।